हाय एवरीवन, कुकिंग स्टार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन, जो कि बहुत ही सॉफ्ट हैं और बहुत ही यमी हैं। बहुत ही अच्छे देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं गुलाब जामुन। बनाने के लिए हमने एक भगोनी रखी है, इसमें एक कटोरी चीनी, दो कटोरी चीनी हम इसमें डाल देंगे और एक गिलास पानी ये डाला हमने और आधा गिलास पानी और डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तो ये हमारी सबसे पहले हमने इसको चाशनी चढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने है ना घर का खोआ बनाया है, तो ये थोड़ा सा टाइट होता है घर का खोआ, इसलिए हमने मिक्सी के जार में डाल के इसको एक राउंड हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए हमने एक बार चलाया तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, कोई गुठली नहीं है इसके अंदर, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो इसको अब हम सारे को निकाल लेंगे। हमें रसगुल्ला बनाने के लिए सॉफ्ट ही खोआ चाहिए, तो अब हम इस खोए को खूब अच्छे से मस लेंगे। जितना आप इसको अच्छे से मस लेंगे उतने ही अच्छे आपके रसगुल्ले बनेंगे, वरना अगर ये ढंग से नहीं मसला जाएगा तो रसगुल्ले टाइट बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम इसको इस तरीके से हथेली से रगड़ रगड़ के, इसमें देखिए बिल्कुल भी गांठ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है ये खोआ। तब हम इसमें, हमने ये आधा किलो दूध का एक छेना बनाया है, यानी पनीर बनाया है हमने, इसको भी हम इस मस लेंगे थोड़ा सा और इसमें हम मिक्स करेंगे। तो ये 200 ग्राम खोआ है और ये 50 ग्राम करीब पनीर है, जो छेना जो कि बिल्कुल ताज़ा बनाया है ताजे दूध से फाड़ के। तो हम इसको आपस में अच्छे से मिक्स करेंगे, बहुत ढंग से इसको मिक्स कर देंगे। ये देखिए इसमें मिक्स हो गया है, तब भी हमें इसे हथेली से बराबर इसको हमें मिक्स करना पड़ेगा। ये थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, लेकिन जब तक ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। अब हम इसमें 4 चम्मच मैदा डालेंगे। तो ये मैदा इसीलिए डाली जाती है कि जो हमारा रसगुल्ला बने वो सेकते वक्त फटे नहीं। तो ये मैदा इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, खूब मसल मसल के इसमें सबसे ज़्यादा, जितना आप अच्छे से मसल लेंगे इसको उतना ही अच्छा आपका गुलाब जामुन बनेगा। तो इसमें बस ये देखिए कितना अच्छा सा डो बन गया है, फिर भी हम इसको हथेली से इसी तरीके से मस लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। ये देखिए ये, और नॉर्मल वाला सोडा नहीं डालेंगे, जिससे टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो यही वाला हम सोडा डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा डो कितना अच्छा बनके तैयार हो रहा है, बिल्कुल अच्छे से ऐसे ही घुमा घुमा के इसको हम मसलते रहेंगे, ऐसे ही पूरा ढंग से मसलेंगे और एक स्मूथ डो बनाएंगे जो कि बिल्कुल चिकना हो। तो ये देखिए हमारा एक डो बनके तैयार हो गया। ये देखिए हमारी चाशनी भी बनके तैयार होगी। ये चाशनी गाढ़ी नहीं बनानी है, ये चाशनी हमें पतली ही बनानी है। तो अब हम चेक करेंगे, तो ये चाशनी गर्म होती है तो आप ढंग से देख के करें। इसमें हमने प्लेट में ले ली है और हम देख रहे हैं कि चाशनी बिल्कुल बन गई है, इसमें कोई तार, बहुत हल्का सा तार उठ रहा है। तो हमें प्लेन ही चाशनी चाहिए, ना कि गाढ़ी चाशनी चाहिए। तो प्लेन चाशनी से रसगुल्ले अच्छे से चाशनी पी लेते हैं। तो ये हमारी चाशनी बन गई है, हम इसको बंद कर देंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। ये हमने ना रोज़ एसेंस लिया है, इसकी 2-4 बूंदें डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। हमने एक कढ़ाई रखी है, इसमें घी डाला है, घी में ही आप रसगुल्ले बनाए तो बहुत टेस्टी बनते हैं। हमारा ये डो तैयार हो गया है, 10 मिनट के लिए मैंने रेस्ट पे भी छोड़ दिया था। तो हम इसमें स्टफिंग भरेंगे, उसके लिए मैंने ये बादाम डाले हैं, ये थोड़े से छोटे काजू डाले हैं और ये इलायची पाउडर डाला है और 1 चम्मच अब मैं इसमें चीनी डालूँगी।
तो ये जो अंदर स्टफिंग में चीनी पड़ी होगी ना, तो उससे ये मीठा हो जाएगा और चाशनी अंदर भी दिखेगी। कुछ लोग इसमें बतासा भी डालते, तो आप बतासा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये स्टफिंग बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अब हम एक छोटा सा राउंड लेंगे इसका और अच्छे से दबा दबा के इसको एक गोल राउंड बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम दबा दबा के इसको एक गोल राउंड बनाएंगे। ये हमारा देखिए कितना अच्छा गोल राउंड बन गया। अब इसमें थंब से एक छेद करेंगे और जो हमने स्टफिंग के लिए रखा है इसको अब हम इसमें रख के इसको भर देंगे और इसको फिर से हम गोल बना देंगे इसी तरीके से आराम से। कहीं पे भी इसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी फटना नहीं चाहिए, और ऐसे ही गोल गोल हम बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल भी फटा नहीं है, बिल्कुल भी क्रैक नहीं है इसमें। तो हम ऐसे ही हथेलियों से इसको गोल गोल करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप ऐसे इसको पूरा बना लेंगे। ये देखिए बिल्कुल है ना गोल 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 बनता जा रहा है और फाइनली ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, बहुत ही अच्छा गोल बना है। तो हमने कढ़ाई में जो हमारा घी था उसको हम धीमे कर देंगे और बिल्कुल हल्का ठंडा सा होने देंगे। तो बस गर्म ही होना चाहिए हमारा घी, तेज़ गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा घी गर्म हो गया है और है ना अब हम इसमें रसगुल्ले डाल देंगे। तो ये हमने सारे रसगुल्ले डाल दिए हैं। हम इस पर हम इन रसगुल्लों को छुएंगे नहीं और इसके ऊपर घी इस तरीके से करेंगे और थोड़ा सिकने देंगे। ये देखिए सिक गए हैं हल्के हल्के, तो हम धीरे से इसको पलटेंगे, आराम से पलटेंगे, नहीं तो ये अगर टकराएंगे तो फट भी सकते हैं। हमारा एक भी रसगुल्ला इसमें फटा नहीं है, तो ये रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे से बने हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे रसगुल्ले सिक गए हैं। ये अभी 10 मिनट हो गए हैं इनको सिकते सिकते, बिल्कुल धीमी आंच पर, बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, नहीं तो रसगुल्ले जल जाएंगे। तो अभी ये देखिए 2 से 4 मिनट और हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले बिल्कुल अच्छे से सिक गए हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमने चाशनी बनाई है उसमें हम इसको डाल देंगे। हमारी चाशनी गुनगुनी होनी चाहिए, तो हम ये सारे रसगुल्ले इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमने सारे रसगुल्ले डाल दिए, हमारे रसगुल्ले बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, इनको हम 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। इसको फाइनली हम ढककर रख देंगे। ये हमने ढक दिया। ये देखिए फाइनली हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही यमी हैं। तो ये एक हम रसगुल्ला निकाल के आपको दिखाएंगे और काट के दिखाएंगे। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कहीं से हार्ड नहीं है और पूरा अंदर तक सिका है इसकी। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, तो आपके मेहमान आए तो आप उनके लिए बनाइए और कोई भी त्यौहार पे बनाइए और सबको खिलाइए। और मेरा ये डिश पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, शुक्रिया।